वलस्यावरणाम चंद्र की जय। बोलिए रति रमन घनश्याम की जय। बोलिए राधा रानी की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। नगर बस्ती की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। मिश्रा फॉर यू यूट्यूब चैनल देखने वाले दर्शक भगवान की जय हो। गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। गंगा अवंध हो, गंगा अवंध हो। भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। हेलो नमस्कार अदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कसे काय केरो हाल है केना जी यहाँ सब कैसन वाणी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे आपके हस्तरेखा के बारे में, आपके हाथों पर में द्वीप का होना। द्वीप आपने देखा होगा कई बार, हो सकता है आपके हाथों पर में ना हो, अथवा हो सकता है कि आपके हाथों पर में हो। इसको द्वीप कहते हैं देवी और सज्जनों। ये छोटे में हो सकता है, बड़ा में भी हो सकता है। कुछ इस प्रकार से द्वीप रहता है, कई जगह पर में इस प्रकार से ऐसे रहता है, कई जगह पर में जो है सो सिर्फ ऐसे आकर के ऐसे हो जाता है। कई जगह पर में ऐसा देखने को मिला है अलग अलग हाथों में कि ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे इस प्रकार से, यानी कि चौखूट टाइप का जो है सो द्वीप देखने को मिलता है, इसको द्वीप कहा जाता है। द्वीप इस प्रकार की चीजें अगर हाथों पर में आपको बनती है तो आपके लिए हस्तरेखा में किस जगह पर इसका बनना लाभदायक और किस जगह पर इसका बनना नुकसानदेह है, इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे कि द्वीप क्या होता है, हाथों के किस रेखा पर बन जाए तो इसका क्या अर्थ होता है। आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। देवी और सज्जनों, सबसे पहले हम लोग गुरु पर्वत से ही डेली चर्चा आरंभ करते हैं, तो आज उस चीज को क्यों छोड़ें। अगर इस जगह पर में आपको इस प्रकार का छोटा या बड़ा निशान बनता हुआ दिखाई दे रहा है, इस जगह पर में गुरु पर्वत पर में, तो आप ये मान करके चलें कि गुरु पर्वत पर में जिस व्यक्ति को द्वीप होता है, जिस व्यक्ति को इस प्रकार का निशान, इस प्रकार का चारों में से कैसा भी निशान अगर आपको दिखाई देता है, तो आप ये मानें कि उस व्यक्ति के हस्तरेखा के जो विद्यार्थी देख रहे हैं, जो सीख रहे हैं डेली क्लास में, वो भी विशेष ध्यान दें, तो वो ऐसा माने कि उस व्यक्ति को हाथ कमजोरी, हृदय का कमजोर होना, आत्मविश्वास का कम होना दर्शाता है। उसको अपने कार्य क्षमता पर भरोसा नहीं होता, उसको ऐसा लगता है कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मुझसे होगा कि नहीं होगा, जबकि वो कर सकता है, कर लेगा, लेकिन फिर भी हृदय कमजोर है, आत्मविश्वास कमजोर है, जिसके कारण से जो है उसको अपने कार्य क्षमता पर में भी खूब विश्वास नहीं होता। गुरु के बाद शनि क्षत्र की चर्चा। अगर यहाँ पर में इस प्रकार का आपको निशान बना हुआ द्वीप जैसा दिखाई दे रहा है शनि क्षेत्र पर में, तो ये समझें कि उस व्यक्ति के जीवन में पग पग पर में परेशानी आने वाली है, पग पग पर में मुश्किलें आने वाली है। हो सकता है ये द्वीप आपके हाथों में जन्म से हो सकता है ये द्वीप अभी बन रहा हो सकता है भविष्य में बने, जरूरी नहीं है कि परमानेंटली रहे, हो सकता है कुछ समय बाद खत्म भी हो जाए,
वो समय पर में डिपेंड करता है देवी और सज्जनों। तो जिस व्यक्ति के हस्तरेखा में शनि पर्वत पर में द्वीप होता है उसको उसको जीवन में जब ही द्वीप बना आप समझ लें कि उसी समय से उसके मुश्किल का वक्त मुश्किल का दौर चालू हो गया। पग पग पर में जो है सो समस्या आनी चालू हो जाएगी, पग पग पर में मुश्किलों से वो जूझना शुरू कर देगा। अगर रवि क्षेत्र पर में सूर्य क्षेत्र पर में यहाँ पर में अगर द्वीप बन रहा है तो आप ये समझ लें कि सूर्य क्षेत्र पर में द्वीप का बनना यानी कि उस व्यक्ति में हतोत्साहित हो जाएगा, वो व्यक्ति हतोत्साह की भावना उत्पन्न हो जाएगी, बड़ा घबराया घबराया सा रहेगा, बड़ा डरा हुआ रहेगा, अंदर से जो है सो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा उसको, और थोड़ा सा ईर्ष्यालु किस्म का भी हो जाएगा, वो दूसरे को देख करके जलना भी शुरू कर देगा, ईर्ष्या भी करना शुरू कर देगा जो कि ठीक नहीं। अगर बुध क्षेत्र पर में यहाँ पर में अगर द्वीप बनता हुआ दिखाई दे तो आप ये मान लें कि वो व्यक्ति व्यापार या वैज्ञानिक कार्यों से समाज को हानि पहुँचाता है, व्यापार या वैज्ञानिक कार्य करके वो या तो खुद का नुकसान पहुंचाएगा अथवा समाज में हास्य का पात्र बनेगा अथवा समाज को नुकसान पहुंचाएगा। तीन चीज़ें हुई, या तो बिजनेस व्यापार से नुकसान खुद का करेगा या समाज का करेगा, वैज्ञानिक माध्यम के द्वारा तकनीकी के द्वारा खुद का नुकसान करेगा या समाज का करेगा, और बाद में हास्य का पात्र बन जाएगा समाज में, उपहास का पात्र बन जाएगा जो कि ठीक नहीं। अगर जो है द्वीप आपको इस क्षेत्र पर में बनता हुआ दिखाई दे शुक्र क्षेत्र में तो आप ये मान करके चलें कि शुक्र क्षेत्र पर द्वीप का होना अपने प्रिय के वियोग को सहना। जिस व्यक्ति के शुक्र क्षेत्र पर में द्वीप होता है उसका लव अफेयर कभी सक्सेस नहीं होता, प्रेम संबंध में असफलता उसको सहना पड़ता है, और जीवन में भी जो है जब द्वीप सुख क्षेत्र पर बन जाए तो समझ लें कि उस समय से उसको हर तरफ से निसारा निराशा, हर तरफ से जो है सो परेशानी ही शुरू हो जाएगी, वो चारों तरफ से घिर जाएगा जब तक ये द्वीप बना रहेगा तब तक। अब इसका मतलब ये नहीं कि ब्लेड से काट के हटा दिया जाए। मेरे एक शिष्य जिनको मैं बहुत दिल से तहे दिल से मानता हूँ या कहूँ मानता था, उनके हाथों पर में तिल है, उन्होंने हस्तरेखा दिखाई, मैंने कहा कि ये तिल जब तक रहेगा तब तक आपको परेशानी रहेगी, वाइफ के तरफ से कुछ इस जगह पर में था। उन्होंने कहा कि गुरुदेव तब तो इस तिल को ब्लेड से ही काट के हटा दिया जाए। क्या ब्लेड्स के से काट देने से हटा देने से क्या उसका टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा? नहीं, इसलिए ये बेवकूफ़ी नहीं करनी है जो आप ब्लेड से काट करके किसी चिन्ह को हटा दो, काट के फेंक दो, ऐसा कभी सोचना भी नहीं है, नहीं तो वो एक और परेशानी लेकर के सामने आ जाएगा, एक और रेखा वहाँ पे खिंच जाएगी, एक और चिन्ह खिंच जाएगा जो और नुकसानदेह रहेगा, और हो सकता है वो आपके हाथों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का कारण बन जाए, तो ऐसा नहीं करना है। तो शुक्र क्षेत्र पर में द्वीप का ऐसा निशान बनना अच्छा नहीं माना जाता, प्रेम संबंध में असफलता के योग और चारों तरफ से निराशा ही निराशा हाथ लगने का संकेत। जीवन रेखा पर में अगर इस रेखा पर में अगर द्वीप का निशान है कहीं भी ऊपर से नीचे तक तो जीवन के उस पड़ाव में आपको जो है बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा टेंशन तनाव की स्थिति जो है सो उत्पन्न होती है, वो समय कालखंड आपके लिए अच्छा नहीं रहता। किसी को अगर जन्म से ही जीवन रेखा पर में द्वीप है तो ये समझ लें कि वो व्यक्ति वर्ण संकर होता है, वो व्यक्ति वर्ण संकर है, यानी कि उसके माता किसी और कास्ट के हैं, पिता किसी और जाति के हैं, वैसे व्यक्ति को वैसे माता पिता से जो उत्पन्न होता है उसको वर्ण संकर कहते हैं, तो वो वर्ण संकर हुआ। मस्तिष्क रेखा पर में अगर किसी को द्वीप हो इस रेखा पर में कहीं भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक मस्तिष्क रेखा पर में तो आप ये मान करके चलें कि वो व्यक्ति जो है सो वंश परंपरागत मस्तिष्क संबंधित परेशानी से जूझेगा, और उसके पूर्वज को जो बीमारी थी मेंटली तौर पर में वो परेशानी उसको भी झेलना पड़ेगा अपने जीवन काल में, ये तय है।
हृदय रेखा पर में, इस रेखा पर में अगर किसी को द्वीप है यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी, तो ये समझ लें आप कि वो व्यक्ति हृदय की कमजोरी को व्यक्त करता है और उसको ये दर्शाता है कि जीवन के उस पड़ाव में आपको हृदय रोग की समस्या है, हृदय रोग हार्ट संबंधित प्रॉब्लम आपके सामने में आ सकती है। देवी और सज्जनों, जिस व्यक्ति को सूर्य रेखा पर में, यहाँ से जो रेखा निकल रही है ऐसे करके आपके हाथों में भी होगी, इस पर में अगर द्वीप है तो आप ये मान करके चलें कि आप जो भी कार्य, जब ही से द्वीप निकला वहाँ पर में, उस वक्त से आप जो कार्य करेंगे उन सभी कार्य में आपकी बदनामी ही होगी, प्रशंसा मिलने की संभावना ना के बराबर। भाग्य रेखा पर में, ये जो रेखा हमने बताया यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है, ये यहाँ से भी शुरू हो सकती है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से कहीं से शुरू हो सकता है, तो इस रेखा पर में अगर द्वीप का निशान है भाग्य रेखा पर में, तो वो भाग्यहीनता की ओर इशारा करता है। जब ही द्वीप भाग्य रेखा पर बना, मतलब आप समझ लें कि भाग्य का सपोर्ट आपको जीवन में कभी नहीं मिलेगा, अथवा जब तक ये द्वीप रहेगा धीरे धीरे करके, जब तक ये मिट नहीं जाएगा अपने आप से नेचुरल तरीके से, तब तक आपको भाग्य का सपोर्ट नहीं मिलने जा रहा है। देवी और सज्जनों, इसके अलावा बता दूं कि अगर हेल्थ रेखा पर में, स्वास्थ्य रेखा पर में अगर द्वीप का निशान बन रहा है, ये रेखा यहाँ से जो बन रही है यहाँ तक, ये स्वास्थ्य रेखा है, इस रेखा पर में अगर द्वीप का निशान बन रहा है, तो आप ये मान लें, ये समझ लें कि आपको उसी समय से हेल्थ वाइज विभिन्न प्रकार की इशू शुरू होने वाली है, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, समस्या शुरू होने वाली है, जिसके कारण से आप कई रोग से घिर सकते हैं। विवाह रेखा पर में, इस जगह पर में अगर द्वीप बनना शुरू हो जाए, इन सब में से कहीं पर में द्वीप बन जाए, तो समझ लें कि बहुत जल्द आपके प्रेमिका की, पत्नी की, अथवा जीवन साथी की, प्रियसी की मृत्यु होने वाली है। बहुत जल्द हो सकता है तो आपके किसी प्रिय व्यक्ति की अथवा आपके प्रेमी प्रेमिका की मृत्यु हो सकती है। अब अगर यात्रा रेखा पर में अगर द्वीप बन जाए, ये जो रेखा होती है इसको यात्रा रेखा कहते हैं, वैसे यहाँ से भी जो कुछ रेखाएं निकलती है इसको भी यात्रा रेखा कहते हैं, तो यात्रा रेखा पर में अगर आपको द्वीप निकल जाए, तो आप समझ लें कि यात्रा में किसी भयंकर कष्ट की संभावना और ये यात्रा में मृत्यु का भी संकेत है। इसका अर्थ आपकी मृत्यु कहीं ऐसे जगह पे होगी जहाँ पर में आप ट्रैवलिंग कर रहे हों, यात्रा में हों, ऐसे में आपकी मृत्यु हो सकती है। तो ये कुछ 10-15 पॉइंट थे द्वीप के बारे में, जो बहुत कम समय में 10-12 मिनट में हमने आपको बताने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे आसानी से, क्योंकि अब तो आप हस्तरेखा में हर रेखा को पहचानने लगे होंगे, अगर आप मेरा वीडियो रेगुलर देखते होंगे तो। और अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद। वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे।